हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मनी हाइस्ट कोरिया, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ। इसका ओरिजिनल वर्जन यानी कि मनी हाइस्ट स्पेनिश वर्जन भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने मिलता है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने ओरिजिनल नहीं देखा तो फिर आप लोगों ने क्या देखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग कोरियन वेब सीरीज के फैन है तो भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। खैर, बात करेंगे मनी हाइस्ट कोरिया की, जिसमें टोटल 6 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे 8 मिनट से लेके 1 घंटा 18 मिनट के है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। फिर शो की कहानी स्टार्ट होती है फ्यूचर से, यानी कि 2025 में, जहां पर अब ऐसा हो गया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही आपस में लड़ लड़के थक चुके हैं और इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है। तो इसलिए दोनों ही कंट्री की गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अब वॉर खत्म करेंगे, दोनों ही कंट्री की करेंसी सेम कर देंगे और एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पर दोनों ही जगह के लोग मिलकर काम कर सकते, और उस जगह का नाम होता है जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। अब वहीं पर है यूनिफाइड कोरिया मिंट, जहां पर नोट छापी जाती है। तो अब ऐसे में प्रोफेसर किस तरह से प्लान बनाते हैं और कैसे दूसरे टीम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, फिर वो प्लान को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं 4 ट्रिलियन चुराने का, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मनी हाइस्ट कोरिया। मैं मनी हाइस्ट कोरिया के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है ओरिजिनल वर्जन का। एग्जैक्ट हर एक चीज, हर एक सिचुएशन कॉपी है, स्लाइटली चीज़ों को डिफरेंस किया है, मगर उसके अलावा कुछ भी यूनिक नहीं है। मैंने ओरिजिनल वर्जन देखा है, एक बार नहीं देखा, कई बार देखा, तो इस वजह से मुझे इसमें वो एज ऑफ द थ्रिल, वो इमोशन, वो म्यूजिक, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो लेजेंडरी कैरेक्टर्स, एक किसी चीज़ में आप घुस के देखते हैं, वो चीज़ कहीं पर भी मुझे फील नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा तो शायद उनको ये कोरियन वर्जन पसंद आएगा। लेकिन कोरियन वर्जन की एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये है कि लेंथ इतनी होने के बावजूद भी कुछ जगहों को लोग ने स्ट्रेच किया और कुछ जगहों पर एकदम हड़बड़ी की है। जबकि अगर आप लोग ओरिजिनल वर्जन देखोगे तो वहाँ पर 45 मिनट्स के एपिसोड्स है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो वो बर्लिन भी है, प्रोफेसर भी है, यहाँ पर डेनवर भी है, टोक्यो भी है, रियो भी है, ऑस्लो भी है, हेलसिंकी भी है, मॉस्को भी है, नैरोबी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन एक्टर्स ने अपने रोल को जस्टिस नहीं किया। और जहाँ पर ओरिजिनल वर्जन की बात करें तो भाई प्रोफेसर और बर्लिन के कैरेक्टर को लेजेंडरी बनाया है उन एक्टर्स ने, उन कैरेक्टर्स ने भी, उन एक्टर ने उन कैरेक्टर को लेजेंडरी बनाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया। एक्टर्स की परफॉर्मेंस मुझे ओके लगी, लेकिन सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो शो को एक बड़े स्केल में शूट किया तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। कोरियन इंडस्ट्री की चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एकदम ग्रैंड प्रेजेंट किया, बट लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ ट्विस्ट एंड ट्रिल, मतलब सब कुछ कम लगा मुझे यार। और BGM की बात करो तो मनी हाइस्ट ओरिजिनल का जो BGM है वो आज भी आप लोग सुनते हो और उसका टाइटल सॉन्ग आज भी सुनते हो, लेकिन इसमें टाइटल सॉन्ग बकवास लगा मुझे। BGM तो एकदम थर्ड क्लास लगा मुझे, मतलब यार एकदम सस्ता वर्जन, मतलब यार क्या जरूरत थी कोरियन इंडस्ट्री को, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्शन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन वो क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं यार रीमेक बना के, वो भी इतना सिमिलर करके। वो लोग चाहते तो एक ढांचा लेके अंदर की चीज़ें पूरी तरह से चेंज कर सकते थे, लेकिन सॉरी भाई कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं इसका Part 2 जो कि आएगा उसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऑडियंस भी इसको रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों ने ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा तो शायद उनको ये रीमेक देखने में मज़ा आ सकता है, और शायद कोरिया वाले नहीं देखेंगे ओरिजिनल, इसके लिए उनके लिए उन लोगों ने इस चीज़ को रीमेक किया है। तो भाई पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूंगा, शो में अश्लील सीन्स है और हिंदी वर्जन में आपको बैड वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं। मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ टाइम वेस्ट फॉर मी, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।